हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल लवी। और आज जो वीडियो है, इसमें आपको बताने वाला हूं एग्जैक्टली ऑलिम ट्रेड के एक नए अपडेट के बारे में। तो यार, ऑलिम ट्रेड का एक नया अपडेट आ चुका है, और जैसा कि आपको पता है, हर एक अपडेट में ऑलिम ट्रेड कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करता है। बट दिस टाइम मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, ऑलिम ट्रेड के नए अपडेट के बाद हम ऐसे में स्ट्रैटेजी को नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तीन बार। यानी ऐसे में जो स्ट्रैटेजी है, उसको आप पहले जो मैंने आपको फेवरेट स्ट्रैटेजी जो मैंने मेरी जो पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ऐसे में प्लस जो पैराबोलिक सार है, जिसमें ऐसे में आप सेट कर सकते हैं 14 या 7, 14 और 25, ये आप सेट कर सकते हैं और अच्छी खासी स्ट्रैटेजी एक वर्कआउट कर सकती है, अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बन सकती है। हालांकि आपको पता है, ये स्ट्रैटेजी पहले आप कर सकते थे सिर्फ पीसी में यूज, बट ऑलिम ट्रेड के एप्लीकेशन में भी ये एक ऐसा ऑप्शन था जहां पे आप ये फीचर को जो है यूज कर सकते थे, इस कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते थे। बट काफी सारी कमेंट्स मुझे मिली कि सर, अब जो नया अपडेट आया है, इसके बाद हम ये जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो यार, आज की वीडियो में यही देखेंगे क्या ये रियल है या ट्रू है या फिर नहीं, बिकॉज अभी तक मैंने हमारे ऑलिम ट्रेड के एप्लीकेशन को नहीं अपडेट किया है। चेक करते हैं अपडेट करके। तो यार गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑलिम ट्रेड की एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया है। मोबाइल वर्जन में हम आज दिखाने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो है लैपटॉप में दिखाता हूँ चीज़ें। तो आप लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं कि सर, मोबाइल यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप जो चीज़ें करें मोबाइल से ही कीजिएगा। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अभी जो है हम ऐप के बारे में बात करेंगे, तो ऐप हमें मोबाइल से ही दिखाना है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ है, देखिए नीचे जो है MACD की स्ट्रेटजी अप्लाई हो रखी है। अब ऐसे में पे क्लिक करता हूँ, तो ऐसे में जो फर्स्ट ऐसे में है वो मैं 7 सेट कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड ऐसे में है, जैसे कि अब मैंने 6 सेट हो गया, सेकंड ऐसे में जो है वो कर देते हैं 14 पे सेट, ठीक है। इसको जो है हम 14 पे सेट करेंगे अभी फिलहाल। देखेंगे 6 है तो 6 पे हमें क्लिक कर नहीं करेंगे, सेकंड वाले पे हम करेंगे 14 पे एग्जैक्टली। इसका जो कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं, येलो कलर, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इस इंटरफेस में थोड़ा प्रॉब्लम आता है जब आप इसको मूव करते हैं स्केल को। यहाँ पे 13 पे देखिए, अभी 13 पे सेट हो गया है अभी, हाँ, तो ये 14 पे हो गया है। तो फर्स्ट हो गया 6 पे, इसको भी हम 7 पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं नीचे से, अब हम ये 7 पे कर लिया है, दूसरा हो गया 14, तीसरे को हम करेंगे 25 पे, और इसका जो कलर है वो हम रखेंगे रेड, ठीक है। तो अब इसको करेंगे 25 पे, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है 25 पे। तो देखेंगे अब यहाँ पे मैंने जो ऐसे में है उसको तीन बार यूज कर दिया है, ग्राफ दिखता है मुझे कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जो है वर्कआउट करती है। आपको पता है मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है ऐसे में प्लस पैराबोलिक सार, और दूसरी जो है एलिगेटर प्लस पैराबोलिक सार। ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ और काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है, काफी अच्छा रिजल्ट यहाँ से मिल जाता है। तो अब देखते हैं अपडेट के बाद क्या हम ये सेम स्ट्रैटेजी यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं करता हूँ एप्लीकेशन को क्लोज, जाते हैं प्ले स्टोर पे, सर्च करते हैं ऑलिम ट्रेड, एंड यहाँ पे देखिए अपडेट आ रखा है ऑलिम ट्रेड का। तो फर्स्टली चेक कर लेते हैं यार ऑलिम ट्रेड के अपडेट में जाके कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस होने वाले हैं आफ्टर अपडेट, जब हम अपडेट करेंगे ऑलिम ट्रेड को, कि क्या मोस्टली चेंजेस पॉसिबल हैं। यहाँ पे जो प्रोवाइडर्स हैं वो हमें काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करके रखते हैं, बट दिस टाइम इन्फॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड बाय डेवलपर्स। तो जो डेवलपर है उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की है कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम जो है अपडेट करना हमारे लिए नेसेसरी है, ताकि कुछ बग्स होंगे, कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट्स होंगी जो हमें अपडेट के बाद ही मिल पाएंगी। तो मैंने अपडेट पे कर दिया है क्लिक, अपडेट स्टार्ट हो गया है, एंड बहुत ही जल्दी 14.41 MB का अपडेट है, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। अपडेट के बाद देखते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने अभी तक ये चीज़ करके नहीं देखी है, सिर्फ मैंने आपके रिव्यूज़ पढ़े, कमेंट्स पढ़े, और आपके जो फीडबैक्स हैं, मैसेजेस हैं, वो सारे चेक किए, और उसमें मुझे पता लगा कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है ये सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करने में। तो लेट्स सी, चेक करते हैं, ये हो गया है अपडेट हो गया है, अब इसे हम करते हैं ओपन।
एंड ओपन करने के बाद ये एनिवर्सरी का दिखाया सबसे पहले कि 12 दिन में ख़त्म होने वाला है। 12 दिन बाद देखते हैं यार, इस जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो फोर टाइप ऑफ चार्ट्स एंड ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूर दिखाई हैं। तो हम करते हैं नेक्स्ट पे, और बिल्कुल ही नया इंटरफेस आ गया है वॉल्यूम ट्रेड का। ठीक है, वॉल्यूम ट्रेड का अपडेट देखेंगे। पहले कुछ अपडेट देखो, पहले यहाँ पे मिनट, और यहाँ पे देखिए डी में समथिंग आ गया है अमाउंट। पहले यहाँ पे क्या जो आता था वो आता था डॉलर्स में। कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, और चीज़ें जो चेंज हुई हैं देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब काफ़ी सारी देखिए, अब कॉल और पुट के ऑप्शंस कितने दूर दूर हो गए। स्ट्राइक प्राइस का चीज़ें जो है, स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन आता है वो कितना बड़ा हो गया है। ऊपर देखेंगे सबसे ऊपर ही ऊपर एनिवर्सरी का जो चीज़ें आ रही है, डेमो से रियल में अगर हम स्विच करते हैं तो वो डॉलर्स में है। बट डेमो में अगर आप जाते हैं देखोगे, डेमो अकाउंट पे जाओगे तो डेमो अकाउंट में देखेंगे आप जो पैसा दिखा रहा है वो डी में दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन, विड्रॉ का ऑप्शन अलग से आ गया है। चीज़ें सारी चेंज हो गई हैं अगर आप चेक करेंगे तो। अब जाते हैं हम स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे। तो नीचे से तो देखेंगे आप स्ट्रेटजी वाला पार्ट ही गायब है, यहाँ पे आ गई है स्ट्रेटजीज अब। ठीक है, तो एसएमए पे जाते हैं, ऐड टू चार्ट। एसएमए मैंने ऐड टू चार्ट कर दिया, फिर दोबारा मैं एसएमए पे जाता हूँ ऐड टू चार्ट, फिर मैं तीसरी बार एसएमए पे जाता हूँ। लेकिन भैया यहाँ पे हम अपने एसएमए को ऐड नहीं कर सकते मोर देन टू, दो बार एसएमए से ज्यादा हम यहां पे ऐड नहीं कर सकते। तो इसको क्या कर देते हैं, हम सेवन पे सेट कर देते हैं, सेवन पे। एंड कलर जो हम रखते हैं वो ग्रीन रखते हैं। ओके, दूसरा जो है हम यूज करते हैं 14 पे या 15 पे, तो एग्जैक्टली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कलर हम रखते हैं इसका येल्लो ही, और इसको डाल देते हैं 14 पे। एंड ये अब इसके बाद मैं एसएमए नहीं यूज कर पा रहा हूं। यहां पे देखिए क्या लिखा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस एम ए हैज़ बीन एडेड, डिलीट वन ऑफ द इंडिकेटर्स टू एड अ न्यू वन। सो इसका मतलब है हम और एस एम ए नहीं यूज़ कर सकते, यानी हम सिर्फ दो एस एम ए ही चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कमेंट्स थी भैया, जितनी भी सारी कमेंट्स आप लोगों ने की थी, मैसेजेस की थे, बिल्कुल करेक्ट थे। हम यहाँ पे और एस एम ए नहीं यूज़ कर सकते। तो एस एम ए स्ट्रेटेजी अब हम नहीं यूज़ कर सकते ऑलिम ट्रेड के अप्लीकेशन में। हालांकि वेब पे ज़रूर आप यूज़ कर सकते हो, नो डाउट। बट अगर आप जाते हो मोबाइल एप्लीकेशन में, तो वहां पे आप एसएमए की स्ट्रेटेजी अब इसके बाद यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन यार कब कहा नहीं जा सकता कि इनके नए अपडेट में वापस चेंजेस जरूर आएंगे, उम्मीद तो बिल्कुल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इसको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें चेंज जरूर हुई है, देखिए एक पूरा ही चेंज हुआ है जैपनीज कैंडलस्टिक्स। ठीक है, अप्लाई कर दिया तो अब देखेंगे ये कैंडलस्टिक पैटर्न में आ गया है बिल्कुल। तो अब देखिए चीज़ें जो चेंज हुई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई है। लेकिन अगर आप, एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो यूज़ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप पहले जैसा ही ऑल इन ट्रेड यूज़ कर सकें, आप पहले जैसे ही स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकें, तो उनको भी बताऊंगा कि वो कैसा ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आपका हो गया ऑल इन ट्रेड अपडेट के बाद, जो चीज़ें बहुत कुछ काफ़ी कुछ चेंज हो गई है, और इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी चेंज हो गया, जो कि मुझे खासा पसंद नहीं आया। तो अब आपको जाना है सेटिंग्स में अपने फ़ोन की, एंड मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपके जो जो सेटिंग्स है मोबाइल में, उसमें आपको ऐप मैनेजर के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, या फिर आपके जो मोबाइल है उसमें आपको ऐप मैनेजर नहीं तो ऐप्स के नाम से एक ऑप्शन दिख सकता है, जो सैमसंग के कुछ मोबाइल्स हैं। या फिर आपको ऐप्स का नहीं दिखता तो एप्लीकेशन के नाम से एक ऑप्शन दिख सकता है। तो इस पर आपको, अगर आपके रेडमी के फ़ोन है तो एप्लीकेशन या ऐप्स के नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, वीवो का फोन है तो आपका ऐप मैनेजर के नाम से दिखेगा। तो ऐप मैनेजर पे आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, उसमें यहाँ पे जितने भी सारे आपके मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारे ऐप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको क्या करना है इन सारे ऐप्स में, तो ऑलिम ट्रेड जो है उसको फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। देखिए ये ऑलिम ट्रेड आ गया, उस पर आपको कर देना है क्लिक। अब इतना करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक अनइंस्टॉल अपडेट का एक ऑप्शन आता है, बट फिलहाल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक अनइंस्टॉल का ही ऑप्शन आ रहा है। बट कुछ फ़ोन सबके ज़रूर होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स होते हैं जहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट्स का एक ऑप्शन आता है। तो आपको करना क्या है, आपको उस अनइंस्टॉल अपडेट्स पे करना है क्लिक, और आपको जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल, माफ़ी चाहूँगा, इसका जो लास्ट अपडेट है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। तो बस इतना सा ही काम है, और इतना सा काम करने के बाद आप डेफिनेटली जो अपना प्रीवियस वर्जन है वॉल्यूम ट्रेड का वो यूज़ कर पाएंगे। हालांकि अभी मेरे फ़िलहाल फ़ोन में अवेलेबल नहीं है, अनइंस्टॉल अपडेट्स का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन ज़रूर यहाँ पे देखेंगे ऊपर आपको तीन डॉट का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर आपको, जहाँ पे मैं अभी लेके गया हूँ कर्सर, यहाँ पे आपको तीन डॉट दिखेंगे या मोर का एक ऑप्शन आएगा, जिसपे क्लिक करोगे तो अनइंस्टॉल अपडेट्स का एक ऑप्शन आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप उस पर जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या है ना, ऑप्शंस, वहाँ से आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
ठीक है, तो आप अपडेट कर अनइंस्टॉल अपडेट कर देंगे तो आपको प्रीवियस अपडेट प्रीवियस जो वर्जन है अनलिमिटेड का उसको यूज़ आप ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन यार निराशाजनक बात यह है कि अब हम SMS स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं कर पाएंगे हमारे फ़ोन्स में। हालांकि अगर जिनके भी फ़ोन्स में अनइंस्टॉल अपडेट्स का ऑप्शन है वो अपने फ़ोन का जो अपडेट है उसको अनइंस्टॉल करके डेफिनेटली SMS स्ट्रेटजी को यूज़ कर पाएंगे, लेकिन नहीं है जिनके पास तो उनको सिर्फ एक चीज़ करनी है यार, ये स्ट्रेटजी को अभी थोड़ा चेंज साइड में रखो जब तक नया अपडेट नहीं आ जाता। हालांकि मेरे अंदाजे के अनुसार 15 दिन के अंदर अंदर एक नया अपडेट आना चाहिए, जैसे ही एनिवर्सरी का जो पूरा कॉन्टेस्ट चल रहा है जैसे ये फिनिश होता है तो नया अपडेट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ऑलिम ट्रेड में, और काफ़ी सारे चेंजेस ज़रूर होंगे, क्योंकि अभी का जो इंटरफेस ऑलिम ट्रेड का है वो कूल नहीं लगा मुझे। काफ़ी ज़्यादा उसमें बग्स हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी जो यूज़र इंटरेक्टिव इंटरफेस नहीं है। ठीक है, तो ऑलिम ट्रेड को ज़रूर इस चीज़ पे वर्कआउट करना चाहिए, और वो जैसे ही उनका जो अपडेट आएगा नेक्स्ट, और उम्मीद किया जा सकता है कि नए अपडेट में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज देखने को आपको मिले। ठीक है, चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज़ बताना चाहूँगा यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होना तो अभी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ज्वाइन नहीं होते तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा यार दोस्तों, लाइक नहीं किया ना वीडियो को तो लाइक कर दो, चैनल पे बिल्कुल नए होना तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ बाइनरी एंड फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसी एक चैनल पे आपको मिलने वाली है। सिंगल जगह, सिर्फ एक ही जगह है जहां पे आपको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, हाउ टू अर्न मनी एंड रिलेटेड टू ऑल दी थिंग्स। सो अभी कर देना है सब्सक्राइब, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।